नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। 14 नवंबर 1980 को केरल के थिएटर्स में मलयाली सुपरस्टार जयन की फिल्म दीपम रिलीज हुई। फिल्म हाउसफुल चल रही थी। दो दिन हुए थे। 16 नवंबर को उन्हीं सिनेमा घरों में अचानक फिल्म रुक गई और स्क्रीन पर एक मैसेज आया, सुपरस्टार जयन नहीं रहे। जिस सुपरस्टार की फिल्म देखने के लिए थिएटर खचाखच भरे थे, उसी की मौत की खबर से चीख पुकार मच गई। खुशनुमा माहौल मातम में तब्दील हो गया। लोग रोते हुए सिनेमाघर छोड़कर निकल गए। कुछ डायहार्ड फैन ऐसे भी थे जिन्होंने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि जयन मर सकते हैं। वो फिल्म देखते रहे, उन्हें लगा अगर खबर सही है तो कल अखबार में आएगी ही। हर कोई अगले दिन अखबार के इंतजार में था जिससे ये खबर कंफर्म हो। अगले दिन जैसे ही लोगों को फ्रंट पेज पर जयन की मौत की खबर मिली, तो केरल के शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। संभवतः ऐसा मातम किसी राज्य ने आज तक नहीं देखा था। हकीकत में कौन थे सुपरस्टार जयन? मात्र 6 साल के करियर में कैसे बन गया इनका इतना बड़ा स्टारडम? क्यों रजनीकांत भी आज तक इनकी बराबरी नहीं कर पाए? किस एक जिद से महज 41 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए ये सुपरस्टार? क्या है इनके दिलदारी का किस्सा? इतना बड़ा सुपरस्टार क्यों इलाज के लिए घंटों तड़पता रहा? क्यों आज भी खाली है इनका सिंहासन? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। 25 जुलाई 1939 को जयन का जन्म क्विलोन त्रावणकोर में हुआ। उनका असली नाम कृष्णन नायर था, जो फिल्मों में आने के बाद जयन हुआ। 50 के दशक में भारी संख्या में नौजवानों को इंडियन नेवी में भर्ती किया जा रहा था। ऐसे में जयन ने भी 10वीं में पढ़ाई छोड़कर नेवी ज्वाइन कर ली। नेवी में रहते हुए जयन नेवी फुटबॉल टीम के भी खिलाड़ी थे। समय बीता और वो नेवल सेलर बन गए। नेवी में होने वाले हर प्रोग्राम में हर कोई उनसे परफॉर्म करने की रिक्वेस्ट करता था। वे स्टेज पर चढ़ते ही अपने अभिनय से लोगों का खूब मनोरंजन करते। बेहतरीन काम करते हुए उनकी नेवी में रैंक बढ़ती गई और वो मास्टर CPO यानी चीफ पेटी ऑफिसर की रैंक तक पहुंच गए। 1961 में भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को लेने के लिए नेवी की जो टीम भारत से ब्रिटेन गई थी, उसमें जयन भी शामिल थे। करीब 16 सालों तक इंडियन नेवी का हिस्सा रहने के बाद जयन ने रिटायरमेंट से पहले एर्नाकुलम में बिजनेस करने का मन बनाया। बिजनेस शुरू करने के सिलसिले में जयन कोचिन टूरिस्ट होम में रहा करते थे, जहां उन्होंने कई दोस्त बनाए। उन दोस्तों में राजन प्रकाश भी शामिल थे, जो वेटरन मलयाली एक्टर जोश प्रकाश के बेटे थे और कोचिन में एक ड्राई क्लीनर थे। राजन प्रकाश को जयन की पर्सनालिटी इतनी पसंद आई कि उन्होंने जयन को 1974 की फिल्म शोपा मोक्षम में एक छोटा सा रोल दिलवा दिया, जिसमें उनके पिता लीड रोल निभा रहे थे। पहली फिल्म में जयन का छोटा सा किरदार इतना दमदार था कि उन्हें लगातार मलयाली फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। 1 साल बाद उन्होंने नेवी की नौकरी छोड़ दी और अपना सारा समय फिल्मों में देने लगे। मलयाली एक्टर जोश प्रकाश ने ही फिल्म शोपा मोक्षम के सेट पर कृष्णन नायर को स्क्रीन नेम जयन दिया था, जिसका अर्थ है विजय। साल 1976 जयन के करियर के लिए सबसे अहम साबित हुआ। इस साल उन्हें फिल्म पंचमी में फॉरेस्ट रेंजर का कैरेक्टर रोल निभाने का मौका मिला, जिससे उन्होंने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 1976 में उनकी बैक टू बैक 9 फिल्में रिलीज हुई थी। साल 1979 की फिल्म सारा पंचरम में जयन ने विलेन चंद्रशेखरन का रोल प्ले किया। उनकी माचो पर्सनैलिटी दर्शकों को इतनी पसंद आई कि नेगेटिव रोल होने के बावजूद लोगों ने उन्हें हीरो रहे सथार से ज्यादा प्यार दिया। यह उस साल की और मलयाली सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसका क्रेडिट जयन और उनके दमदार स्टाइल को दिया गया। अगले ही साल जयन फिल्म अंगारी में नजर आए, जिसने उनकी पिछली फिल्म सारा पंचरम की कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जयन के फिल्मों में आते ही मलयाली सिनेमा में हीरो की परिभाषा बदल गई। पहले हीरो सिर्फ रोमांस करते और डायलॉग बोलते थे, लेकिन जयन ने स्टंट स्टाइल और माचोइज्म से ये ट्रेंड बदल दिया।
फिल्म अंगारी का एक डायलॉग मलयाली सिनेमा में आज भी सबसे हिट माना जाता है, जिसमें पसीने से लथपथ सिर पर पट्टी बांधे हुए जयन अंग्रेजी में चिल्लाते हुए कहते हैं, मे बी वी आर पुअर कूलीज ट्रॉली पुलर्स बट नो बेगर्स, यानी हो सकता है हम गरीब हैं, कूली हैं, ट्रॉली पुलर हैं, लेकिन भिखारी नहीं है। उनका यह डायलॉग इतना मशहूर हुआ कि हर कोई सिर्फ एक डायलॉग को देखने के लिए सिनेमा हॉल जाया करता था। इस फिल्म से जयन को माचो हीरो का टैग मिला, जो गरीबों के लिए आवाज उठाता था। जयन अपनी मस्कुलिन पर्सनैलिटी, बेल बॉटम पैंट, यूनिक स्टाइल, मूछों के साथ लेजेंडरी कल्चर आइकन बने। जिस समय जयन मलयाली सिनेमा में पहचान बना रहे थे, तब प्रेम नजीर इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा एक्टर हुआ करते थे। लेकिन जयन के आते ही प्रेम नजीर का स्टारडम फीका पड़ गया। जयन मलयाली सिनेमा के पहले एक्शन हीरो थे। जयन की शुरुआती एक्शन फिल्मों की पॉपुलैरिटी के मद्देनजर मलयाली राइटर उनके लिए खतरनाक स्टंट वाले सीन लिखा करते थे। जयन को बॉडी डबल इस्तेमाल करने से सख्त नफरत थी। कई लोग उनके लिए बॉडी डबल बुलाते थे, लेकिन स्टंट चाहे कितना भी खतरनाक हो, वो खुद ही करना पसंद करते थे। फिल्म अरियप्पदाथा रहस्य में जयन ने हाथी के साथ फाइट सीन किया था। फिल्म पुथिया वेलिचम में जयन तेज रफ्तार वाली मालगाड़ी पर चढ़कर दौड़ लगाते हैं। फिल्म आवेशम में जयन ने साउथ के खतरनाक वाटरफॉल होगेनक्कल फॉल में तैराकी की थी। वाटरफॉल का बहाव तेज था, लेकिन सीन रियल दिखाने के लिए उन्होंने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहने और नेट इस्तेमाल करने से भी इनकार कर दिया था। फिल्म चंद्रहासम में जयन को विशाल जहाज पर कूदने के लिए जहाज की क्रेन से 200 फीट की ऊंचाई पर लटकाया गया था। फिल्म मूर्खन में जयन ने रॉयल एनफील्ड से ईंट से बनी दीवार तोड़कर पार की थी। इसी फिल्म में वो ऊंचे एलिवेशन में रस्सी के सहारे चढ़ते दिखे थे। किसी भी स्टंट के लिए न जयन ने बॉडी डबल रखा और ना ही उन्होंने कोई सेफ्टी बेल्ट पहना। जयन 1974 में फिल्मों में आए और 1977 तक वो टॉप एक्टर बन चुके थे। 1977 में जयन ने 20 फिल्में की और अगले ही साल 1978 में उनकी 32 फिल्में रिलीज हुई। ये मलयाली सिनेमा का रिकॉर्ड है। सिर्फ 1977 से 1980 तक जयन ने 4 सालों में 97 फिल्में की थी। जयन एक बार एक प्रोग्राम का हिस्सा बने थे, जहां हजारों की भीड़ उन्हें देखने पहुंची थी। कॉन्सर्ट की भीड़ के चलते एक फैन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जैसे ही जयन को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने कॉन्सर्ट रोक दिया और खुद उस फैन को अस्पताल ले गए। उन्होंने ना सिर्फ उसके इलाज का खर्च उठाया, बल्कि उसके ठीक होने तक उसकी खबर लेते रहे। 80 के दशक में जयन मलयाली सिनेमा के सबसे बड़े स्टार थे। करियर के पीक में उन्होंने 1980 में फिल्म कोली लक्कम की शूटिंग शुरू की। 16 नवंबर को वो मद्रास तमिलनाडु के शोलावरम में फिल्म का क्लाइमेक्स सीन शूट करने पहुंचे। स्क्रिप्ट के अनुसार जयन को हेलीकॉप्टर से भाग रहे विलेन का पीछा कर उसे पकड़ना था। इसके लिए उन्हें मोटरसाइकिल में एक्टर सुकुमारन के पीछे बैठकर टेक ऑफ हो चुके हेलीकॉप्टर में लटक कर ऊपर चढ़ना था। यह एक खतरनाक स्टंट था, क्योंकि जयन के हेलीकॉप्टर में चढ़ते ही उसके एक तरफ का भार बढ़ जाता, जिसे क्रैश होने का खतरा था। पायलट संपत ने जयन को समझाया कि जैसे ही हेलीकॉप्टर एक तरफ झुकने लगे, तो वो तुरंत कूद जाए। वहीं विलेन बने बालन के नायर को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि चाहे जो हो जाए, आप सीट बेल्ट मत खोलना। स्टंट खतरनाक था, तो रीटेक से बचने के लिए 4 अलग अलग एंगल में 4 कैमरे लगाए गए थे। शूटिंग शुरू हुई और पहले ही शॉट में जयन गिर गए, जिसे उनके शरीर पर चोट आई। दूसरी बार भी शॉट सही नहीं आ सका, लेकिन तीसरी बार जब जयन मोटरसाइकिल से कूदकर हेलीकॉप्टर में चढ़े, तो सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। डायरेक्टर पीएन सुंदरम उस शॉट से संतुष्ट थे। हर कोई जयन के स्टंट की तारीफ कर रहा था कि तभी वो डायरेक्टर के पास आए और कहने लगे कि वो इस शॉट से संतुष्ट नहीं है। वो उस स्टंट को दोबारा और सूझबूझ से करना चाहते थे। आखिरकार सुपरस्टार जयन की बात कौन टालता।
डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही जैन तेज रफ्तार पर चल रही बाइक पर खड़े हुए और उन्होंने टेकअप कर चुके हेलीकॉप्टर को पकड़ने में कामयाब रहे और उसके हैंडल पर लटक गए। हैंडल में लटके जैन ऊपर आने की कोशिश ही कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर टिल्ट होने लगा। सीट पर बैठे बालन के नायर को खतरे का एहसास हो गया और वो जैन से नीचे कूदने की विनती करने लगे। हेलीकॉप्टर की आवाज इतनी तेज थी कि उनकी कही बात जैन तक नहीं पहुंच सकी। वो गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाते रहे लेकिन जैन उन्हें नहीं सुन सके। हेलीकॉप्टर एक तरफ झुकता गया और क्रैश होने लगा। जैन ने हैंडल नहीं छोड़ा। पायलट और बालन सही समय पर हेलीकॉप्टर से कूद गए और उन्हें मामूली खरोचे ही आई थी, लेकिन जैन सिर और घुटने के बल जमीन पर गिर गए और उनके ऊपर हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो हर किसी को लगा उसमें ब्लास्ट होगा। ऐसे में कोई उनके नजदीक नहीं पहुंचा। फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शशि और जैन के ड्राइवर तुरंत उनके पास पहुंचे तो देखा वो खून से लथपथ बेसुध हो रहे थे। जैन को उनकी फीएट कार से नजदीकी क्लिनिक ले गए। खून बहुत बह चुका था और जैन की हालत नाजुक थी तो डॉक्टर्स ने उन्हें जनरल हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। वो हॉस्पिटल उस लोकेशन से 40 किलोमीटर दूर था। अचानक बारिश शुरू हो गई जिससे जैन को हॉस्पिटल पहुंचने में 1 घंटे लग गए। अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर तक नहीं था। हालांकि जैसे ही उसे कहा गया कि जैन आए हैं तो वो तुरंत पहुंच गया। इलाज शुरू हुआ और जैन की टाइट जींस काटी गई। उनके घुटने में 2 छेद हो चुके थे और सिर से लगातार खून रिस रहा था। 1 घंटे तक उनकी सर्जरी चली लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। करीब शाम 6 बजे उनका निधन हो गया। जैन की मौत की खबर मिलते ही सिनेमाघरों में चल रही उनकी फिल्म दीपम में शोक संदेश जोड़ा गया जो 2 दिन पहले रिलीज हुई थी और हाउसफुल थी। थिएटर में फिल्म देख रहे फैंस ने जैसे ही जैन की मौत की खबर देखी तो थिएटर्स में चीखने की आवाजें आने लगी और पूरा माहौल मातम में तब्दील हो गया। कुछ फैन थिएटर से बाहर भाग आए तो कुछ को ये किसी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन लगा। जिसके भी पास जैन की मौत की खबर आई उसने माना ही नहीं। हर किसी को अगले दिन अखबार का इंतजार था क्योंकि सही खबर के लिए 80 के दशक में अखबार और रेडियो ही थे। अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पर जैन की मौत की खबर कंफर्म हुई तो लोग सड़कों पर उतर आए और मातम मनाने लगे। जैन का शरीर एरोप्लेन से त्रिवेंद्रम लाया गया और फिर उनके होम टाउन क्विलोन। जैन की आखिरी झलक देखने के लिए क्विलोन शहर में भीड़ लग गई। छोटे से शहर में ऐसा जन सैलाब आया कि भीड़ काबू करने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। जैन की मौत के बाद उनकी 1983 तक 12 फिल्में रिलीज हुई जिनकी शूटिंग उन्होंने पूरी की थी। वहीं कई फिल्में रोक दी गई। उनकी फिल्म गर्जनम में उनकी जगह रजनीकांत को कास्ट किया गया था। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। ये रजनीकांत के करियर की सबसे कम 52 दिनों में थिएटर से उतरने वाली फिल्म है। जैन की मौत के बाद कई एक्टर्स ने एक्शन और उनकी नकल करने की कोशिश की लेकिन दर्शक ने उन्हें ठुकरा दिया। जैन के लिए मलयाली सिनेमा में एक कहावत मशहूर है कि जैन का सिंहासन खाली है और हमेशा खाली रहेगा। सुपरस्टार जैन को गुजरे 43 साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी मलयाली सिनेमा में उनकी जगह कोई नहीं ले सका। उनके फैंस आज भी उनके जन्मदिन और डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें बढ़ चढ़कर श्रद्धांजलि देते हैं। कुछ ऐसी थी सुपरस्टार जैन की स्टारडम। दोस्तों आज के लिए यहीं तक। क्या आपने इससे पहले मलयाली सुपरस्टार जैन के बारे में सुना था? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।